हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। एक्सेल में खास किस्म की एक ट्रिक है, अब वो ट्रिक क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि ना ही पूरा ये रो हाईलाइट हो, ना ही पूरा ये कॉलम हाईलाइट हो। जब हम इस पर क्लिक करें तो केवल एक सेल हाईलाइट होना चाहिए। सेल को हाईलाइट करने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लिया, वर्जन कोई भी हो, 2007 भी इस्तेमाल कर रहे हो तो भी सेम यही वे है करने का। तो यहाँ पर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखिए, होम टैब में आपको मिलता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर आप चले जाइएगा और यहाँ पर जब नीचे जाएंगे तो नीचे मिलेगा न्यू रूल, न्यू रूल पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक शो होंगे। करना क्या है, यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां ऑप्शन पे आ जाइएगा। यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पर एक फंक्शन आपको यूज करना है। अब क्या वो फंक्शन है आइए देखते हैं। यहाँ पर इज इक्वल टू का निशान लगाइएगा, क्योंकि बिना इज इक्वल टू के कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन शुरू नहीं होता है। और यहाँ पे लगाइएगा सेल, क्या लगाना है, सेल लगाना है और सेल लगा करके ब्रैकेट को ओपन करना है, डबल डॉट कॉमा में लिखना है एड्रेस। क्या लिखना है आपको, एड्रेस, ये लिख दिया। क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है डेटा अपना A1 से, तो यहाँ पर हमें क्या दे देना है, A1 दे देना है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं A1, क्या लिख दूंगा, A1 लिख दूंगा। और A1 लिखने के बाद फिर आपको एक बार और यही फंक्शन दोबारा से यूज कर लेना है, ठीक है। A1 लिख दिया ये मैंने, और A1 लिखने के बाद इसी फंक्शन को मैं बंद कर देता हूँ पहले ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे सेल यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ डबल कॉमा में एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस हो गया। इसको बंद किया, और बंद करने के बाद यहाँ से फॉर्मेट पे जाना है, और फॉर्मेट पे जाने के बाद सेल पे जाना है, और सेल पे जाने के बाद यहाँ से इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। और ओके करने के बाद यहाँ से ओके करना है, ये देख सकते हैं, ये एक ही ब्रैकेट क्लोज होगा, एक ब्रैकेट तो ऑलरेडी क्लोज कर दिया है, तो ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे जाते हैं क्लिक करते हैं तो अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ एक ही जगह हाईलाइट है। तो आपको VBA को ओपन करना है, तो यहाँ से डेवलपर टैब पे जाके, फिर विजुअल बेसिक पे जाके, फिर यहाँ पे देखिए शीट आ रहा है, तो शीट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से इसे बना लीजिएगा वर्कशीट। और वर्कशीट बनाने के बाद आपको जो कोडिंग करनी है वो कोडिंग आपको दिखा देता हूँ कि आखिरकार आपको कोडिंग क्या करनी है, ठीक है। थोड़ा सा VBA का कोड लिखिए और काम आपका हो जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। आपको यहाँ पे लिखना है टारगेट, क्या लिखना है, टारगेट, इस तरीके से लिख दीजिएगा टारगेट, ठीक है, TARGET, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा। और फिर टारगेट लिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही टारगेट लिखते हैं तो टारगेट लिखने के तुरंत बाद यहाँ पे देना है डॉट कैलकुलेट, क्या लिखना है, टारगेट डॉट कैलकुलेट। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कैलकुलेट, देखिए ये आ भी जाएगा, डबल क्लिक कर लीजिएगा और इसको सेव कर लीजिएगा। तो यहाँ से इसको सेव करते हैं, ये पूरा ही सेव हो जाएगा, ये पूरा इतना सेव कर लेना है आपको, यहाँ पे क्लिक करके सेव कर लीजिएगा और सेव करके इसे मिनिमाइज कर लीजिए। अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं तो देखिए जिस सेल पे क्लिक कर रहे हैं केवल वही हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है, एक डिफरेंट कलर से। जो भी कलर आप वहां पे दे देंगे उसी कलर में ये हाईलाइट भी होता हुआ नजर आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जहां पर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ उसी कलर में ये हाईलाइट करके हमें दे रहा है। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।